हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल IITN एकेडमी। और आज हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस पार्ट बी जून 2018 का एक प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम क्या है, हमें ABC की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमें चार वैल्यू दे रखी है, जो कि A इक्वल टू 0 होगा, B इक्वल टू 3/4 होगा, या C इक्वल टू 1/4 होगा। जैसे ही हमें और प्रॉब्लम बता रखी है, और हमें बता रखा है इंटीग्रेशन, जैसे कि क्या होगा इंटीग्रेशन 0 से h fx dx इक्वल टू h a f0 प्लस b f h/3 प्लस c f(h) इज एग्जैक्ट फॉर पॉलिनोमियल f ऑफ डिग्री इज हाई एज पॉसिबल एज। हमें पॉलिनोमियल लेना है, जो कि हमें fx बता रखा है। तो हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या लेनी है, हमें हाई लेनी है। पॉलिनोमियल पहले तो हमने क्या लिया, 1। उसके बाद क्या लेंगे, fx इक्वल टू, एक ले लेंगे हम x, और दूसरा ले लेंगे हम fx इक्वल टू x की स्क्वायर। हम तीनों से एक इक्वेशन निकालेंगे, 1 इक्वेशन यहाँ से, सेकंड यहाँ से, थर्ड यहाँ से। तीन इक्वेशन निकलने के बाद हमारे पास तीन कोफिशियंट हैं ABC, तो उनकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो इन तीनों से हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, सबसे पहले fx इक्वल टू 1 लेते हैं। तो 0 से f fx इक्वल टू 1 लिया, तो ये हो गया 1 इंटू dx इक्वल टू h a f0 b f h/3 प्लस c f(h). अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका लिया x, और 0 से h लिमिट, तो यहाँ क्या आएगा अपना h आएगा, यहाँ h। ये क्या होगा, a f0 की वैल्यू क्या कितनी होगी, हमारे पास है f(x) इक्वल टू 1। तो x की किसी भी वैल्यू के लिए f0 इक्वल टू 1 होगा, f h/3 इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि ये वैल्यू कितनी है, कॉन्स्टेंट है। f(x) इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ अपना आ गया a, यहाँ आएगा b, यहाँ होगा c। तो h से h कैंसिल, तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 1 आई। तो हमारे पास जो पहली जो इक्वेशन बनेगी वो ये होगी, ठीक है। अभी हम देखते हैं, अगर हमारे पास fx इक्वल टू x हुआ तो ये तो हो गया अपने पास पहला, ये सेकंड। 0 से h fx की जगह x dx h ऑफ a f0 b ऑफ f h/3 c ऑफ fh, ठीक है। अब क्या होगा, x की स्क्वायर बाई टू 0 से h, यहाँ a o। अब हमें क्या बता रखा है, fx इक्वल टू x लिया हमने, तो f0 की वैल्यू कितनी होगी, 0। f(h/3) की वैल्यू कितनी होगी, h/3, और f(h) की वैल्यू कितनी होगी, h होगी। तो हम क्या करते हैं, f(0) की वैल्यू कितनी होगी, 0 प्लस b f(h/3) की वैल्यू h/3 प्लस c f(h) की वैल्यू h। हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ क्या हो जाएगा अपना h² / 2। यहाँ से क्या होगा, h ये हो गया 0, यहाँ से अपना h है, यहाँ भी h है, तो एक h हमने ले लिया कॉमन। यहाँ क्या बचेगा, b/3 प्लस यहाँ क्या होगा, c। तो हमारा h² से h² कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 1/2 इक्वल टू b/3 प्लस c। हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है वो ये हो गई, और अभी देख लेते हैं जो हमारे पास है fx इक्वल टू x की स्क्वायर। 0 से h x की स्क्वायर h a f0 b f h/3 प्लस c f(h) क्या होगा, x का क्यूब बाई 3 0 से h यहाँ हो जाएगा। तो a इंटू f0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 प्लस b(h/3) का होल स्क्वायर प्लस c(h)²। ये क्या होगा, h² ले लेंगे यहाँ से कॉमन, तो ये होगा h का क्यूब, यहाँ क्या बचेगा, b/9 प्लस c, यहाँ होगा
एच का क्यूब डिवाइड बाई 3, एच का क्यूब से एच का क्यूब कैंसिल, यहाँ होगा 1/3 बी वाई 9 प्लस सी। ये हो गई इक्वेशन 3। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे। और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 3/4, सी इक्वल टू 1/4। तो स्टूडेंट यही हमारा आंसर है। थैंक यू, बाय बाय।